खबरों में बढ़ते हैं कि बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। अमित शाह योगी छत्तीसगढ़ में प्रचार करेंगे। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। सारंगढ़, पलारी और आरंग में आम सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में यहां पर सभा लेंगे, इसके साथ ही रोड शो भी करेंगे। तो वही 4 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे योगी आदित्यनाथ। अंतागढ़, डोंगरगांव, पंडरिया जाएंगे, पंडरिया में आम सभा को संबोधित करेंगे। कवर्धा में रोड शो यहां पर करेंगे। 5 नवंबर को फिर कई विधानसभाओं में धुआंधार प्रचार करेंगे। 5 नवंबर की सुबह 11 बजे बीजापुर में आम सभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। 12:30 बजे बस्तर पहुंचकर यहां भी आम सभा को संबोधित करेंगे। चलिए रुक करते कुछ और खबरों का। आज मध्य प्रदेश का 68वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी और इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव और आचार संहिता लागू होने के कारण मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मध्य प्रदेश के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। चुनावी माहौल के बीच प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य के साथ धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश भर में 25 लाख किसान धान बिक्री करेंगे। बिलासपुर में ही अकेले 1,30,000 से अधिक किसान पंजीकृत किए गए हैं। उपार्जन केंद्रों में बारदाना, तराजूबार सहित जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। इधर बालाघाट में कांग्रेस ने आशुतोष बिसेन को निष्कासित किया है। पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में पद से बर्खास्त किया गया है। असंगठित कामगार कांग्रेस और कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे आशुतोष। इधर जेसीसीजी प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गोरेलाल ने सीएम और पीसीसी चीफ को खत लिखा है और जिन्होंने गाना गाया था कांग्रेस के लिए उन गानों का इस्तेमाल करने के बंद करने की मांग की है। दरअसल लोक गायक गोरेलाल बर्मन पहले पामगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। 2008 और 2013 में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा था लेकिन इस बार उन्हें टिकट मिला नहीं, तो जेसीसीजे की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा है। उनका दावा है कि चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस की तरफ से उन्होंने 10 से ज्यादा चुनावी गाने गाए थे और अब कांग्रेस उन गानों का इस्तेमाल कर रही है, जिस पर रोक लगाने की मांग गोरेलाल बर्मन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में खड़गापुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी का नामांकन फॉर्म होल्ड कर दिया गया। खड़गापुर से कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की शिकायत पर खड़गापुर एसडीएम विजय सेन ने राहुल लोधी का नामांकन फॉर्म होल्ड पर रखा है और इस मामले में एसडीएम कार्यालय में सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकील इस मामले में बहस करने टीकमगढ़ आए हैं। अगली खबर सीधी से, जहां अजय सिंह के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। बीजेपी प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट अंबुज पांडे ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि शपथ पत्र प्रारूप अनुसार नहीं है, जिसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने 24 घंटे के अंदर अजय सिंह से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि चुरहट विधानसभा से अजय सिंह कांग्रेस प्रत्याशी है। हालांकि एक और अपडेट आपको दे दें कि आपत्ति खारिज हो चुकी है और उन्हें राहत मिली है। अंबिकापुर में बीजेपी के 3 प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बिना इजाजत रैली में गाड़ियां शामिल करने पर नोटिस जारी किया है। 30 अक्टूबर को नामांकन रैली में ये गाड़ियां शामिल हुई थी, अब बीजेपी प्रत्याशी के खर्च में ये जो राशि है ये जोड़ी जाएगी। और श्योपुर में विधायक बाबू चंडेल का अनोखा अंदाज सीखने को मिल रहा है। बाबू चंडेल ऊंट पर सवारों का चुनाव प्रचार के लिए निकले और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे, जो कि चर्चा का विषय है। मध्य प्रदेश में प्रचार के दौरान प्रत्याशियों की कई अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसी एक तस्वीर इंदौर से सामने आई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौक से कचौड़ी तलते नजर आ रहे हैं। इससे पहले दौड़ लगाते हुए अन्य कांग्रेस प्रत्याशियों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत ने मतदाताओं से बदसलूकी की। गांव में विकास कार्य नहीं करवाने के सवाल पर भड़क गए। कहा, जो तुम कमा खा रहे हो ये मेरे पिताजी की देन है। ऐसा नहीं होता है सिस्टम में, क्या ये है नहीं, जो तुम इतने कमा रहे हो खा रहे नहीं, ये मेरे पिताजी की देन है। तो ऐसी बात कर रहा था, ये बात कर रहा हूँ मैं, तू बात कर।
कर रहा ना, वो ऐसा नहीं होता है सिस्टम में। क्या ये है नहीं जो तुम इतने कमा रहे हो खा रहे, नहीं ये मेरे पिताजी की देन है। तो ऐसी बात कर रहा था, ये बात कर रहा हूँ मैं, तू बात कर रहा ना, वो ऐसा नहीं होता है सिस्टम में। क्या ये है नहीं जो तुम इतने कमा रहे हो खा रहे, नहीं ये मेरे पिताजी की देन है। तो ऐसी बात कर रहा था। इंदौर विधानसभा एक के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला की ओर से उनके अधिवक्ता ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन फॉर्म निरस्त करने के लिए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि शिकायत पर जांच के बाद कैलाश का फॉर्म स्वीकृत कर लिया गया और अब कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। जबलपुर में कमलेश अग्रवाल ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज से मुलाकात के बाद यह फैसला उन्होंने लिया है। कमलेश ने जबलपुर उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा था, लेकिन मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने फैसला निरस्त कर लिया है। रायपुर में धान की खरीदी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें धान खरीदी के अधिकारी पर आरोप लगाते हुए हटाने की गुजारिश की है और सत्ता पक्ष का समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा कि इन्हें नहीं हटाया गया तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा में प्रचार करने से इंकार कर दिया है। यशोधरा ने कहा है कि अगर चुनाव प्रचार उन्हें करना ही होता तो वो अपने लिए कर लेती, वो खुद ही चुनाव में लड़ लेती। मैं अम्मा महाराज के नैतिक मूल्यों पर चलने की कोशिश कर रही हूं, चार बार कोरोना हो गया था इसलिए चुनाव न लड़ने का फैसला अगस्त में ही उन्होंने संगठन को बता दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कुर्सी किसी और को मिल जाए ये फैसला उन्होंने लिया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर हिंसा जारी है, जिसको लेकर कई जिलों में बस इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। नेताओं के घर के बाद सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने मुंबई बेंगलुरु हाईवे जाम किया। वहीं हिंसक घटनाओं में शामिल 50 से 55 लोगों की पहचान होटल संस्थान को निशाना बनाया गया है। दंतेवाड़ा में पेमेंट नहीं मिलने से परेशान ठेकेदार ने आत्मदाह की चेतावनी दी। पीएचसी विभाग के इंजीनियर को पत्र लिखा और कलेक्टर और एसपी को भी पत्र की कॉपी भेज दी है। जल जीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण किया गया था। मनेंद्रगढ़ में रिश्वत लेते हुए आरआई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरआई जमीन का काम करने वालों से पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तहसील कार्यालय परिसर में पैसा लेने के बाद काम करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। रायपुर में इन दिनों एक लेडी डॉन का नाम बार बार सामने आ रहा है। बता दें कि पुलिस ने देर रात एक जमीन कारोबारी के साथ सरेरा मारपीट करने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक फाफाडी निवासी तरनजीत सिंह सलूजा का पैसे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें महिला ने अपने पति और बेटे के साथ मिलकर मारपीट की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया में अब जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, महिला पर अपने पति अजय और आदित्य के साथ मिलकर क्रिकेट सट्टा और सूदखोरी के लिए गैंग चलाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। बीते दिनों महावीर नगर निवासी कारोबारी हरीश जुमनानी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और उस दौरान भी इस महिला पर ही प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे। फिलहाल गंज थाना पुलिस ने आरोपी महिला सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भिलाई के जुनवानी इलाके में नकली दूध बनाकर 400 परिवार को सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जुनवानी के ग्रीन वैली में घरों में दूध सप्लाई करता था। लोगों को दूध में मिलावट का शक था, जिसके चलते वो युवक के जब घर पहुंचे तो वहां डिटर्जेंट पाउडर और बेकिंग सोडा के पैकेट जब्त किए गए। नाराज लोगों ने आरोपी की पिटाई भी कर दी। पुलिस को जानकारी लगी और सैंपल लिया गया दूध का। और सीधी जिले में दिनों जीएसटी के अधिकारियों की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी और इसी कड़ी में सतना में 10 सदस्यीय जांच दल ने दो व्यापारियों के ऑफिस में दबिश दी, जिसे देखकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया और घंटों चले इस कार्रवाई में जीएसटी की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी थी, जहां दुकानों के साथ साथ संचालकों के घर पर भी दबिश दी गई है। दस्तावेजों को खंगाला गया और मिली जानकारी के मुताबिक छानबीन में जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि मापदंडों के हिसाब से दस्तावेज तैयार नहीं कराए गए हैं। और बात यूपी अपडेट की। बुलंदशहर में माफिया नदीम की 40 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम और एसएसपी के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई हुई। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। थाना कुटहन और खेतासराय की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
कुशीनगर किलकारी हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों के साथ डॉक्टर कमलेश वर्मा ने बदसलूकी की है। परिजन ने हाथापाई और मारपीट का आरोप लगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महोबा में बीते दिन सड़क जाम में दरोगा के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों ने पुलिस अभिरक्षा से भागकर सिपाही की राइफल छीन ली, पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने बचाव करते हुए आरोपियों पर भी फायरिंग की है। इस मुठभेड़ में 1 दरोगा और 2 कांस्टेबल घायल हो गए हैं। मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हैं। कुशीनगर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। खड्डा क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर दुर्घटना हुई। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा कस्बे में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें एक बच्चे समेत 2 की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक गोदाम के अंदर रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे, जिसमें विस्फोट हुआ। कानपुर में कबाड़ी गोदाम में आग लग गई। कानपुर के यशोदा नगर में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। बलिया में पुराने सिनेमा हॉल के मालिकाना हक को लेकर विवाद का मामला सामने आया। पूर्वांचल टॉकीज के नव निर्माण के दौरान कुछ दबंग भूमाफियाओं के दखल को लेकर जो विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। बलिया शहर में मौजूद पूर्वांचल टॉकीज साल 1986 में शुरू हुआ था, और ऐसे में पूर्वांचल टॉकीज पर लंबे वक्त से मालिकाना हक का दावा रखने वाले जिला प्रशासन और अदालत से न्याय की गुहार में जुटे हुए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव स्थल का विस्तार किया गया, और इस बार राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक दिए जलाए जाएंगे। तैयारियों को लेकर बैठक की गई। पिछली बार 15,07,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, तो इस बार सीएम योगी ने 21,00,000 दिए जलाने का ऐलान किया। अयोध्या में दीपोत्सव लोक पर्व के रूप में करने की तैयारी अब शुरू हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय भी राम की पैड़ी पर दीपोत्सव जैसा माहौल रहे, इसके लिए अब लाइटिंग और लेजर शो एक दिन नहीं बल्कि लगातार संचालित होंगे। यानी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, उस समय भी राम की पैड़ी पर दीपोत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। इसी के साथ 4 एंकर 40 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए, और आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ अभी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।